कलेजा मांग लेते तो भी हम आपको दे देते, लेकिन रानी का ब्याह हम राजू से नहीं कर सकते ठाकुर साहब। आप ही सोचिए ठाकुर साहब, अगर रानी बिटिया आपकी बेटी होती तो क्या आप जान बूझ के कुआ में धक्का मार देते? जी ठाकुर साहब, सुजी ठीक कह रही है। कौन माँ बाप जान बूझ के अपने बच्चों को कुएं में धकेल देंगे बताइए। समझ के रख लेना, शादी के बाद और भी देंगे। और हाँ, आज के बाद से तुम लोगों को हम कोनो कमी नहीं होने देंगे। अरे भाई, हमारे समधी जो हुए अब आप। पूरन मासी के दिन का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने शादी का, ठीक समय पर हमरा बहू को लेकर जाएंगे हम। सदन, इनको घर तक छोड़ के आओ। जी ठाकुर साहब। कभी बुढ़ा कभी पागल, और वो ठाकुर हमें अपने बाप की जागीर समझता है क्या? अम्मा, हम नहीं करने वाले उस पागल से शादी, उस ठाकुर को जाके बोल देना। और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो हम बताए ना नागरानी नहीं बनेगी। और तुमको क्या लगता है कि सब खेला हमको नहीं पता है? पहले नाग नागिन का खेला शुरू की थी, अब तो पूरे गांव में भी फैला दिया है, चढ़ावा भी आने लगा है। आपको पता था? हम तुम्हारी माँ है रानी, और एक तो बात कान खोल के सुन लो, इंसान को भगवान बनने में खाली दूध चमत्कार लगता है, और वापस इंसान बनने में जान पर खतरा भी आ सकता है। और ये सब सच्चाई गाँव वालों को पता लग गया ना तो हम दोनों के जान पर खतरा है, हमको ठाकुर साहब ही बचा सकते हैं। ये लेकर रहे रानी, ठाकुर साहब के बेटा से ब्याह कर लो। अरे लेकिन हम कमल से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। कमल वो जो पटना में क्लर्क की नौकरी करता है उससे ब्याह करेगी, और हम इसे ठकुराइन बनाना चाहते हैं। पागल से शादी करवा दो। तो ये सब नाग नांग वाला खेला वो कमलवा से ब्याह करने के लिए था, और कमलवा तुम्हारा नाम देता। एक बात सुन लो रानी, कि प्यार व्यार ना चार दिन का चांदनी है, काम आने वाला चीज पैसा है, और ठाकुर साहब के पास भर भर के पैसा है, और ठाकुर साहब रोके के रकम में देखे ना कितना पैसा दिए। देखो रानी, ठाकुर साहब जितने बड़े आदमी हैं उतने चालाक भी हैं, उनको तुम्हारे नाग रानी के नाटक के बारे में सब पता है। देखो, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी ना तो ये बात वो पूरे गाँव में फैला देंगे, और फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा, गांव वाले हमें धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन जरा सोचो, अगर हमने उनकी बात मान ली तो चाहे कुछ भी हो जाए वो सब संभाल लेंगे। रानी बिटिया, आज तुमको पता है हम सबके लिए कितना अच्छा दिन है। ये देखो, ठाकुर साहब 50 एकड़ जमीन गिफ्ट में दिए हैं, और इतना पैसा दिए हैं, और कहे हैं कि ब्याह के बाद एकदम में माला माल कर देंगे। अरे जियो ठाकुर साहब। रानी बिटिया, तू तो सच में